हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो गाइस, आज मैं कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करने वाला हूँ। ये फोटो जो है FB पे नहीं बना हुआ था, बट इंस्टाग्राम पर कुछ अलग टाइप का बना हुआ था, आप लोग देख ही होंगे। तो मैंने सोचा कुछ इसमें कुछ अलग करते हैं। तो गाइस, इसमें कुछ अलग किया है, फेसबुक का मैंने एडिट किया है। बहुत सारा ऐसे इंस्टाग्राम का भाई फोटो एडिट हो रहा था, मैंने सोचा चलो भाई फेसबुक का क्यों नहीं एडिट करते हैं। तो गाइस, अगर आप FB बहुत यूज करते हो, तो अगर आपको इस टाइप का फोटो एडिट करना पसंद भी करते होगे, तो चलो गाइस आज मैं कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करके मैं बताऊंगा कैसे एडिट कर सकते हो। तो चलो गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस चलते हैं पिक्सार की तरफ और पिक्सार कर लेते हैं ऑन। पिक्सार ऑन करने के बाद ऐसे क्या करना है आपको, तो पिक्सार ओपन कर लेते हैं। तो पिक्सार ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, इस प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अपने चले जाना अपनी फाइल में। तो चलते अपनी फाइल में, फाइल में जाने के बाद गाइस आपको ये वाली बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो वैसे हमारा जो बैकग्राउंड है ऐड हो चुका है फेसबुक के मैं एडिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे पिक्सार में हमारा जो बैकग्राउंड है ओपन हो चुका है। तो करने क्या है, सबसे पहले आपको जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद चलते हैं रिसाइज में, और रिसाइज में जाने के बाद गाइस आप देख सकते हो साइज जो है 1717 आपको साइज रखना है, और यहाँ से कर लेनी है डन। और डन करने के बाद क्या करना है आपको, अपने फोटो को ऐड करनी है। तो चलते हैं ऐड फोटो में, तो हम यहाँ फोटो को ऐड कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार का फोटो है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा एडिट करता है। तो सोचा ये पोज है जो है ना, इसमें तो मतलब जो था इंस्टाग्राम का था, ठीक है। तो मैंने सोचा कल चलो यार क्यों नहीं फेसबुक का इसमें कुछ अलग करते हैं। तो वैसे देखो वीडियो को पूरा, और कुछ मज़ा आने वाला है, कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो वैसे देख सकते हो, तो वैसे यहाँ पे मैं इसको फोटो को सेट कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है आपको, फिर से जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद क्या करना है आपको, कुछ PNG है आपको ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये फेसबुक का ये लोगो है, इसको यहाँ ऐड करने वाला हूँ, और ये लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ फेसबुक का जो है लोगो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा मैं ऐसे घुमा दूँगा, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा इसको बुला कर यहाँ पे फिंगर पर सेट कर दूँगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको सेट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ऐसे मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो बस आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है। और ये जो लाइट है, इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको जाना है ब्रांडिंग मोड में, यहाँ से कर लेनी स्क्रीन। और स्क्रीन करने के बाद आपको छोटा करना है, और छोटा करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो वैसे देख सकते हो अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन, और फिर चलते हैं ऐड फोटो में। तो ऐड फोटो में जाने के बाद फिर चलते हैं अपनी फाइल में। तो फाइल में आ जाने के बाद यह करना आपको, ये वाली ले लेनी PNG, और ये वाली फेसबुक का कुछ टैटू लगाना है, ठीक है। तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये वाली टैटू को यहाँ पे लगा देनी है। तो यहाँ से मैं लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और चलते हैं ब्रांडिंग मोड में, यहाँ से कर लेनी स्क्रीन। तो स्क्रीन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। तो वैसे स्क्रीन नहीं करते, नॉर्मल लगते, ठीक है। यहाँ से मैं छोटा करके यहाँ पे लगा देता हूँ, तो स्क्रीन कर लेंगे तो बेकार लग रहा था। तो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा ऑपोसिटी को कम कर लेंगे, तो थोड़ा ऑपोसिटी को यहाँ से कम कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। तो वैसे आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है। और क्या करना है, यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है, वो ली जो PNG मैंने लिया था फिर से मैं ऐड करूँगा। तो चलते हैं अपनी फाइल में, और ये ली PNG को फिर से मैं ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ से कर लेते हैं सेट। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट कर देनी है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। तो सारा यहाँ पे काम हो चुका है गाइस। तो चलते हैं लाइटिंग की तरफ, वहाँ पे कुछ कलर सेटिंग करते हैं हमेशा के जैसा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जाना है ड्रा टूल में। ड्रा टूल में जाने के बाद आपको तीन डॉट पे क्लिक करके फोटो को कर लेनी है सेव। और सेव करने के बाद चलते हैं लाइटिंग की तरफ, वहाँ से कुछ आप कलर सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा पॉज कर लेते हैं। तो वैसे हमारा जो लाइट रूम ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे ये करना क्या है आपको, अपनी फोटो को ऐड करनी है। तो इस पर क्लिक करनी है, और क्लिक करने के बाद अपनी फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो मैं ये वाली फोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो हमारा जो फोटो एडिट हुआ था, मैं इसको ऐड कर लिया हूँ। तो ऐड करने के बाद क्या करना है आपको, कलर सेटिंग करना है, और इस पर लाइट पर क्लिक करेंगे। और लाइट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा यहाँ पर हाईलाइट को आपको थोड़ा सा आपको बढ़ा देनी है, ठीक है। और शैडो को यहाँ पर आपको थोड़ी आपको कम बेसी कर देनी है, तो शैडो में कम कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा आपको व्हाइट बैलेंस है, तो व्हाइट बैलेंस यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पे कलर सेटिंग करना है, जैसे आपकी फोटो वैसे करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा व्हाइट बैलेंस कम कर लेता हूँ, और थोड़ा ब्लैकनेस थोड़ा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और क्या करना है आपको, थोड़ा कलर सेटिंग में जाना है, तो यहाँ पे मिक्स पे क्लिक करते हैं। थोड़ा क्या करना है, यू को आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है, थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा लुमियंस को यहाँ पे बढ़ा कम कर देनी है, ठीक है। उसे क्या करना है आपको, जाना है ब्लू टोन में, और यहाँ से आपको इसको थोड़ा आपको बना देनी है यू को बनाने के बाद क्या करना, थोड़ा सैचुरेशन को आप यहाँ डार्कनेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ डार्कनेस कर लेता हूँ, थोड़ा लुमियंस को आप यहाँ बढ़ा देना, ठीक है। और क्या करना है गाइस आपको, यहाँ पे जाना है ये ऑरेंज टोन पे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे लुमियंस को बढ़ा देनी है। लुमियंस को बढ़ाने के बाद क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसको भी सैचुरेशन को आपको बढ़ा देनी है, बढ़ना यार। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है आपको, जाना है इस पर, और थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा लेनी है। थोड़ा क्वालिटी को बढ़ाने के बाद क्या करना है आपको, थोड़ा वाइब्रेट को बढ़ा लेनी है,
ठीक है, वेवेट को मैंने कम किया है, अक्रेटिक को थोड़ा बढ़ा लिया, ठीक है। उसके बाद इस पर जाते हैं, उस पर शार्पनेस को बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा जो फोटो है साफ दिखे, क्लीन दिखे। और इस पर क्या करना है, फेस स्मूथ करने के लिए आपको इसको स्मूथ सॉरी नॉइस को आपको बढ़ा लेनी है, और कलर नॉइस पे भी आपको थोड़ा सा बढ़ा लेनी है ताकि अभी जो कलर है नॉइस मस्त वाली स्मूथ हो जाए। तो वैसे आप देख सकते हो बहुत अच्छा फोटो लग रहा है, कुछ एफ वी का स्टाइल है, आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है। तो वैसे अब इसको क्या करना है, सेव करने के लिए आपको तीन डॉट पे क्लिक करना है, तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके फोटो कर लेनी है सेव। तो वैसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलो वैसे मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। ओके गाइस, बाय एंड टेक केयर।